जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे से यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 3-4 दिन से मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूं अपनी गौशाला से कि हमारा यहां नए शेड बनाने का कार्य चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा ये आगे वाला डंगा लगा, ये सात फुट डंगा है, ये हमारा क्लियर हो चुका है। ये आगे से 7 फुट है और लंबा ये 40 फुट लंबा है। तो इसके साथ साथ यहाँ से हमने कटिंग पीछे तक 40 फुट कर ली है आज, जो आज क्लियर हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं, बस इसमें थोड़ी अब सफाई करनी है, फिनिशिंग करनी है हमने। तो ये हमने पूरी कटिंग कर लिया है, तो यहाँ पे हाइट काफ़ी हो चुकी है कटिंग। ये आप देख सकते हैं, इसकी लगभग 20 से 25 फुट हाइट बैक साइड हो चुकी है। तो ये हमारा कार्य पूरा हो चुका है। अब हमें यहाँ पीछे भी डंगा लगाना पड़ेगा क्योंकि हाइट ज़्यादा हो चुकी है, उस वजह से कहीं बरसात में ऊपर से स्लाइड होने का खतरा है। तो जो हमारा यहाँ शेड बनेगा, पशु रहेंगे तो वो उससे नुकसान हो सकता है, जान माल का। तो इसलिए हमें पहले ही इसमें डंगा लगाना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये 40-42 फुट के करीब लंबाई इसकी बनेगी। बाकी वैसे ही काम वैसे क्लियर ही हो चुका था। पहले तो मैं सोच रहा था कि ये डंगा बाद में लगाते हैं, लेकिन जब यहाँ आके हाल देखा यहाँ का, तो जो यहाँ पे कटिंग हुई है तो इसकी हाइट काफ़ी हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं, ग्राउंड तो हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, बस ये जो बैक साइड है ये देखो कितनी हाइट है, ऊपर से स्लाइड होने का खतरा हो सकता है। इसलिए ये जो पीछे वाला डंगा है ये हमें प्रॉपर देना पड़ना, आसी से कंक्रीट करके जैसा ये सामने वाला दे रखा है, तो तभी हमारा ये गौशाला का कार्य पूर्ण हो पाएगा। तो बाकी हमारी पुरानी वाली गौशाला वहाँ सामने है, वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए, जो हमारे पहले जो भी हमारे पशु रहते हैं तो हमारे इस वाली गौशाला में ही रहते हैं। तो अब बहुत जल्दी हमारा ये वाला शेड भी बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी स्पेस हो जाएगा गौशाला में, जिससे यहाँ पे काफ़ी सारे गौ माता रह पाएंगी। तो वैसे जगह मेरे पास और भी है यहाँ से आगे, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, तो जो ये शेड नज़र आ रहा है, तो ये आने वाले टाइम में श्याम जी ने चाहा तो ये शेड वहाँ तक और बनेगा। तो अभी हमारी जो गौ माता है वो घास चरने के लिए गई है, तो अब वापस आती होगी। तो अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, क्योंकि अभी सायंकाल का वक्त है, तो हमारी जो सभी गौ माता होती है घास चरने गई है, तो सभी वापस आ रही होगी। तो मैं आपको आगे का वीडियो गौशाला में जाके दिखाता हूं, हमारी गौ माता किस तरह से वापस आ रही है। चलिए मेरे साथ। सभी गौ माता शाम के वक्त अपने घर की ओर आती हुई Thank you.